सब पे लगाम बंधी हुई है, मगर उनको ये नहीं मालूम कि यार एक घोड़ा निकल ना जाए, एक घोड़ा लगाम खोल के भाग ना जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस। चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो, कोविड आ रहा है यात्रा बंद करो। राहुल गांधी की पदयात्रा 7 सितंबर से लगातार जारी है। यात्रा के दौरान कई वीडियो और फोटो भी वायरल है। यात्रा में 8 साल के बच्चा से लेकर 88 साल तक के बुजुर्ग हाथों में झंडे लिए हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज आपको कुछ अलग और खास वायरल वीडियो की कहानी बताने जा रहे हैं। सबसे पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी जी डरते हैं कि कहीं एक घोड़ा भाग गया तो मुसीबत हो जाएगा। आपने नरेंद्र मोदी जी का कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है इनके साथ? देख ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं है, क्योंकि इनके सामने खड़े ही नहीं हो सकते। वो सब पे लगाम बंधी हुई है, मगर उनको यह नहीं मालूम कि यार एक घोड़ा निकल ना जाए, एक घोड़ा लगाम खोल के भाग ना जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुसीबत हो जाएगी। तो आप उनको पहचानिए। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं है, ये आरएसएस के सब लोग ऐसे हैं। ये नफरत फैलाते हैं, मगर ये डरते हैं, हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं, हिंदुस्तान के गरीब लोगों से डरते हैं, हिंदुस्तान के किसान से, मजदूर से डरते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, और इनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते आपका। और मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति से कह रहा हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, यह देश डरपोकों का देश नहीं है, यह वीरों का देश है, यहां कोई नहीं डरता। कांग्रेस ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि खुद के अंदर इतनी रोशनी लिए चलो कि तुम्हें कभी अंधेरे का डर न सताए, तुम्हारी यही रोशनी कई लोगों के जीवन में सवेरा लेकर आएगी। कांग्रेस का ये ट्वीट है। एक दूसरे ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा है कि चेहरे का तेज और माथे का तिलक बता रहा है कि भारत जोड़ो का लक्ष्य लिए एक तपस्वी आ रहा है। कांग्रेस ने यह बात राहुल गांधी की फोटो के साथ ट्वीट में लिखा है। एक वीडियो भी आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी को तिलक लगाते हुए एक सेना वृत्त एयर कमांडो प्रशांत दीक्षित और उनकी पत्नी नजर आ रही है। वीडियो को पोस्ट करने के बाद एक फोटो ट्वीट किया गया और जिसमें लिखा गया कि एक बुजुर्ग तिलक करते हैं तो विजय निश्चित कर देते हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के साथ एक व्यक्ति नजर आ रहे हैं, उनका नाम है सुधींद्र कुलकर्णी। सुधींद्र कुलकर्णी बीजेपी के पूर्व नेता हैं, भारत जोड़ो के समर्थन में राहुल गांधी के साथ चले, बीजेपी के पूर्व विचारक रहे हैं और बॉम्बे में पढ़ाई किए, उन्होंने पत्रकारिता भी की है। मुंबई से निकलने वाली टेबलॉइड ब्लेज्ड के संपादक भी रह चुके हैं। कुलकर्णी औपचारिक रूप से साल 1996 में बीजेपी में शामिल हुए थे और 80 के दशक के अंत तक बीजेपी और आडवाणी से जुड़े थे। यह राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू होने का दौर था। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका भाषण लिखने भी कुलकर्णी लगे थे। उन्होंने औपचारिक रूप से पीएमओ में कम्युनिकेशन एंड रिसर्च के डायरेक्टर के रूप में भी काम किया। साल 2005 में आडवाणी द्वारा जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बताए जाने पर खूब विवाद भी हुआ था। बताया जाता है कि उस भाषण को कथित तौर पर कुलकर्णी ने लिखा था। इस हंगामे के बाद कुलकर्णी ने औपचारिक रूप से बीजेपी छोड़ दी थी और 2009 में कुलकर्णी फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। 2009 लोकसभा चुनाव में आडवाणी की कोर टीम का हिस्सा भी बने। इसी चुनाव में आडवाणी बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे। चुनाव में मिली हार के बाद कुलकर्णी ने बीजेपी का रणनीतियों और उसमें आरएसएस के हस्तक्षेप की आलोचना की। उनका मानना था कि आडवाणी आरएसएस के कारण प्रधानमंत्री नहीं बन सके। इससे पहले आखिरी बार सुधींद्र कुलकर्णी तब चर्चा में आए थे जब 2015 में शिवसेना कार्यकर्ता ने उनके मुंह पर कालिक पोत दिया था। दरअसल कुलकर्णी ने अपनी किताब के विमोचन में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कुरैशी को भी बुला लिया था। इससे शिवसेना के कार्यकर्ता नाराज हो गए थे।
अब आपको राहुल गांधी से जुड़े कुछ सवालों के जवाब के बारे में भी बताते हैं। जैसे कि एक सवाल बार बार लोगों के जहन में है कि आखिर क्यों राहुल गांधी को एक टी शर्ट में ठंड नहीं लगती है। दिसंबर बीतने के बाद जब एकाएक ठंड बढ़ गई तो सुबह शाम हर कोई गर्म कपड़े पहनकर और कंबल ओढ़कर बाहर निकलता है। यात्रा के दौरान सभी नेता गर्म और ऊनी कपड़े पहने हुए दिखाई देते हैं जिससे उन्हें ठंड न लगे, लेकिन राहुल गांधी पेंट और एक टी शर्ट पहनकर जोश के साथ हर सुबह दिखाई देते हैं। अगर कयास लगाए तो भारत जोड़ो यात्रा की सफलता राहुल गांधी के चेहरे से नजर आ रही है। सफेद काले रंग की बड़ी हुई दाढ़ी राहुल गांधी की यात्रा की ये गवाही दे रही है। सामान्य रूप से देखा जाए तो यात्रा को गति भी दे रही है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी का क्रेज भी देखने को मिला है। हर नेता की ख्वाहिशें रहती हैं कि राहुल गांधी तक एक बार पहुंच जाए और एक बार राहुल गांधी से उनका हाथ मिल जाए, एक बार राहुल गांधी की नजर उन पर पड़ जाए। इसके लिए नेता जद्दोजहद भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब हालांकि इन सब के बीच राहुल गांधी को केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए एक चिट्ठी भी लिखी गई थी जिसके जवाब में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को रोकने से इनकार कर दिया। हरियाणा के नूह में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अब नया फॉर्मूला निकाला है जिससे यात्रा को रोका जा सके। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 20 दिसंबर को राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर राहुल से यात्रा रोकने की अपील की थी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है, मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो, कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं, ये सच्चाई। अब सवाल ये कि क्या राहुल गांधी को सर्दी नहीं लगती है? तो माना ऐसा जाता है कि गर्मियों का सीजन हो तो बॉडी खुद को ठंडा रखने के लिए कड़ी मशक्कत करती है, इससे खून का प्रवाह बढ़ जाता है और पसीना आता है, आपकी ज़्यादा एनर्जी जाती है और बॉडी जो है थका हुआ नजर आता है। वहीं सर्दी के सीजन में बॉडी को गर्म माहौल से जूझना नहीं पड़ता, यानी कि आपको एनर्जी ज़्यादा वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं होती। वहीं ज़्यादा गर्म माहौल में दौड़ लगाने से डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, वहीं सर्दियों में इनकी संभावना भी ना के बराबर होती है। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी एक टी शर्ट में भी नजर आ रहे हैं और कड़ाके की ठंड में भी उन्हें ठंड नहीं लग रही। भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुँच रही है और 7 सितंबर को कन्याकुमारी से ये यात्रा की शुरुआत हुई थी। 150 दिनों के बाद 12 राज्यों से गुजरकर कश्मीर में ये यात्रा समाप्त होगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।